नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूर्वी शुक्ला और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। खेल हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। ये ना केवल मनोरंजन के लिए बल्कि हमारे मानसिक और शारीरिक विकास के लिए भी बेहद जरूरी है। तेज रफ्तार भरी जिंदगी में ना तो परिवार के पास बच्चों को बाहर ले जाने का वक्त रह गया है और ना ही वो माहौल जिसमें वो स्वच्छ होकर खुले मैदान में खेल सके, इसलिए इंडोर गेम्स अब लोगों की पहली पसंद बन गई है। आज इस वीडियो में हम इंडोर गेम्स के फायदों के बारे में बात करेंगे। स्वस्थ और फिट रहने का सबसे असरदार तरीका है इंडोर गेम्स, लेकिन आज की तेज रफ्तार जिंदगी में इंडोर गेम्स में लोगों की रुचि घटती जा रही है। लोग खासकर बच्चे या तो वीडियो गेम खेलते हैं या फिर मोबाइल और टीवी के साथ व्यस्त रहते हैं। नतीजन लोग अपने आप को फिट रखने में नाकाम रहते हैं। जरूरी नहीं कि हम खुद को तंदुरुस्त रखने के लिए कहीं दूर जाएं, बल्कि हम इंडोर गेम्स खेल सकते हैं और ये गेम्स घर के अंदर भी खेले जा सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से इंडोर गेम्स क्यों हैं सेहत के लिए बेहद जरूरी। सबसे पहले बात करेंगे टेबल टेनिस की। टेबल टेनिस विभिन्न आयु के लोगों और फिटनेस के लिए खिलाड़ियों को मनोरंजन, अच्छा व्यायाम व स्वस्थ लाभ देता है। कैलोरी जलाने के लिए टेबल टेनिस एक मजेदार और आसान तरीका हो सकता है। इस खेल में चोट और गिरने का खतरा भी काफी कम है। ये खेल आपकी एकाग्रता और सजगता को बढ़ा सकता है। भाई बहनों या माता पिता के साथ घर पर ये खेल खेलना परिवार के सदस्यों को करीब ला सकता है। ये खेल संतुलन में सुधार तो लाता ही है, चोट लगने की आशंका भी कम करता है। वृद्ध लोगों के लिए तो ये और अच्छा है। अब बात करते हैं दूसरे गेम की, जो है रस्सी कूदना। इस सस्ते और आसान खेल के लिए सिर्फ एक रस्सी चाहिए होती है। इसके अंत में हैंडल होते हैं। 10 मिनट तक रस्सी कूदना 8 मिनट तक दौड़ने के बराबर होता है। रस्सी कूदने से हड्डियों की बनावट में सघनता आती है और हड्डियां मजबूत बनती हैं। रस्सी कूदने में लय, रणनीति और संचालन का समन्वय होता है, जो दिमाग के लिए भी एक बढ़िया व्यायाम है। वजन घटाने में रस्सी कूदने से बड़ी मदद मिलती है। पहले दिन रस्सी कूदने के बाद हो सकता है कि आपको पैरों और जांघों में दर्द और जकड़न हो। इसका कारण लंबे समय से सुस्त पड़ी मांसपेशियां हैं। थोड़ा थोड़ा करके रस्सी कूदने की संख्या और समय बढ़ाएं। कुछ ही दिनों में आपके पैर और शरीर के निचले भाग की मांसपेशियां मजबूत और फड़कती हुई नजर आएंगी। दिमाग को फिट रखने से आपकी कार्य क्षमता में इजाफा होता है। मानसिक विस्तार के लिए सबसे अच्छा खेल है चेस। शतरंज का खेल खेलने वाले व्यक्ति की एकाग्रता और फोकस करने की क्षमता अन्य की तुलना में बहुत अधिक होती है। यदि ये खेल छोटी उम्र में खेला जाए तो बच्चों के दिमाग का बेहतर विकास होता है। ये खेल व्यक्ति के सोचने की क्षमता को एक नए आयाम पर ले जाता है। शतरंज फैसले लेने की क्षमता का भी विकास करता है। इस खेल को खेलने से हमारे अंदर अनुशासन क्षमता का भी विकास होता है और समय का सही उपयोग करना भी हम सीखते हैं। कैरम जुनून और प्रतिस्पर्धा का खेल है। कैरम को एकाग्रचित होकर खेलना पड़ता है। इससे जीवन की सीख मिलती है कि कोई भी कार्य एकाग्रचित होकर करना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। रानी कब लेनी है, ये भी राजनीति का एक पार्ट है और इस पार्ट को अच्छे से सीखने के लिए कैरम में अच्छे अनुभव की जरूरत होती है। जैसे जिंदगी में बड़े निर्णय लेने के लिए सही समय का इंतजार करना चाहिए। जैसे ही समय आए तो बिना समय गवाए सही निर्णय ले लेना चाहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम जल्द लौटेंगे ऐसी ही जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए बोल्ड स्काई से।